दोस्तों, हमारे इस ब्रह्मांड में आज जो कुछ भी मौजूद है, चाहे आप उसे देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, पर उसका अस्तित्व मौजूद है। इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज एक एनर्जी है, और हम सभी मनुष्य भी एक एनर्जी ही हैं, और ये सभी एनर्जी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। असल में जब भी आपके मन में कोई इच्छा या विचार उत्पन्न होता है, तो हमारे उन सभी विचारों से एक एनर्जी निकलती है जो इस ब्रह्मांड से मिलती है, और उसी प्रकार की एनर्जी को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। हमारे विचारों से निकलने वाली एनर्जी जब इस ब्रह्मांड से मिलती है, तो यह ब्रह्मांड उन विचारों की फ्रीक्वेंसी के आधार पर उसे रियलिटी में बदलता है। असल में हमारे मुख से निकलने वाले शब्द तथा हमारे मन में चलने वाले विचारों में सबसे ज्यादा ताकतवर हमारे मन में चलने वाले विचार ही होते हैं। मेरी यह बात सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह सच्चाई है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने मन में झांकना शुरू कर दे, उसमें उठने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दे, तो उसकी जिंदगी में चमत्कारी ढंग से परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। आज आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी देख रहे हो, वह सब कुछ आपके मन में उठने वाले विचारों का परिणाम मात्र है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो आपका मन एक खेत की तरह है जो कभी खाली नहीं होता है, और आपके विचार वह बीज हैं जो उस खेत में बोए जाते हैं। जैसे विचारों के बीज आप इस मन रूपी खेत में बोएंगे, ब्रह्मांड उसका पालन पोषण करेगा, और वैसे ही फल आपकी जिंदगी में देखने को मिलने लगते हैं। मित्रों, इसीलिए हमें अपने वाणी और अपने विचारों पर पूरा संयम और नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि यही दोनों मिलकर आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को निर्धारित करते हैं। मित्रों, यह पूरा ब्रह्मांड एक आकर्षण के नियम पर कार्य करता है, जिसकी शुरुआत आपके मन में उठने वाले विचारों से ही होती है। यह एक ऐसी सीक्रेट पावर है जिसे जानने के बाद आप जो चाहे उसे पा सकते हो। आप अपने किसी भी लक्ष्य, किसी भी इच्छा को, अपने किसी भी विश, किसी भी डिजायर को इस ब्रह्मांड की अट्रैक्शन की शक्ति से आसानी से पा सकते हो। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमारा दिमाग एक ऐसी चुंबकीय शक्ति का केंद्र है जो हर वक्त कई तरह की तरंगों को ब्रह्मांडीय ऊर्जा तक पहुंचाता रहता है। यह ऊर्जा हमारे दिमाग में चल रहे विचारों तथा भावनाओं की तरंगों के आधार पर इस ब्रह्मांड में मौजूद अपने ही तरह की सकारात्मक या नकारात्मक तरंगों को अट्रैक्ट करती है, और इसी को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग इनडायरेक्ट रूप से सोशल मीडिया में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। आप यूट्यूब चलाते हो, सर्च बॉक्स में आप जो कुछ भी वीडियो सर्च करते हो, जिस टॉपिक के बारे में आप सर्च करते हो, एक बार तो वह सर्च रिजल्ट में आ जाता है, आप उसे देख लेते हो, पर उसके बाद क्या होता है? आप जिस चीज को पहले सर्च किए रहते हो, जिस टाइप की वीडियो को आप बार बार देखते हो, YouTube की होम स्क्रीन पर आपको उसी तरह की वीडियो बार बार देखने को मिलती है। धीरे धीरे आप उसी तरह के विचारों में घिरते चले जाते हो, और वैसे ही कार्य आप करने का प्रयास भी करने लगते हो। यानी यूट्यूब पर आप अच्छे और बुरे दोनों तरीके की वीडियो देखते हो, और उसका प्रभाव आपकी जिंदगी में पड़ता है, और यूट्यूब की होम स्क्रीन पर वैसे ही रिजल्ट आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। सेम वैसे ही आपका दिमाग है, लेकिन यह और भी ज्यादा पावरफुल है, जिसकी शक्ति का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यूट्यूब तो मानव द्वारा बनाया गया है, पर आपके दिमाग में तो अनंत शक्तियां छिपी हुई हैं। आप इसमें जैसे ही विचार डालते हैं, वैसे ही ढेर तरीके के विचार आपके सामने प्रकट होना शुरू करते हैं, और वही प्रकट हुए विचार आपके प्रत्यक्ष जीवन में भी देखने को मिलने लगते हैं। वैसे ही आपकी जिंदगी बनती चली जाती है। देखो, जब आप बार बार अपनी सफलता या गरीबी के बारे में सोचते हो, तो आपके विचार से निकलने वाली निगेटिव एनर्जी इस ब्रह्मांड में मौजूद निगेटिव ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है, और जब यह निगेटिव एनर्जी आपके दिमाग में पहुंचती है, तो आपके मन में और ज्यादा नकारात्मक विचार उठने लगते हैं, जो आपकी इच्छा शक्ति को कमजोर करते हैं, जिससे आपके मन में सकारात्मक विचार पैदा ही नहीं होते हैं, तथा आप हमेशा चिड़चिड़ापन, गरीबी तथा निगेटिव विचार के दलदल में फंस जाते हो। इसके प्रभाव से आप अपने जिंदगी में उन अवसरों को भी नहीं पहचान पाते हो जो आपको सफलता दिला सकते हैं, जो आपको अमीर बना सकते हैं, जो आपको उस तकलीफ से निकाल सकते हैं, सिर्फ उन नकारात्मक विचारों की वजह से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, जब आप अमीर बनने, सफल होने, ताकतवर होने जैसी पॉजिटिव बातों को सोचते हो, तब आपके विचारों से निकलने वाली पॉजिटिव एनर्जी इस ब्रह्मांड में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। इस सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से आपका दिमाग नए नए पॉजिटिव विचारों को जन्म देने लगता है,
और आपकी इच्छा शक्ति आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को यह संदेश देती है कि यह मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यह मुझे चाहिए। इसके बाद आपका अवचेतन मन उस इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए आपके दिमाग में कुछ विशेष प्रकार के केमिकल चेंज करता है, जिससे आपके दिमाग में नए न्यूरॉन्स क्रिएट होते हैं और आपका अवचेतन मन एक निश्चित दिशा में एक्शन लेने लगता है, जिसका परिणाम यह होता है कि आप अपने लगभग सभी कार्यों में सफल होने लग जाते हो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने लग जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको अपने चेतन और अवचेतन मन के बारे में नहीं पता तो आप हमारे चैनल पर मौजूद बाकी वीडियो को देख सकते हो। मैंने इस पर कई डिटेल वीडियो बनाई है, जिसके जरिए आप अपने चेतन और अवचेतन मन की शक्ति के बारे में जान पाओगे, जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को ही बदल देंगे। आपका सोचने का नजरिया ही बदल जाएगा। दोस्तों, आपको एक बात समझना चाहिए कि आपकी सोच ही आपकी सफलता और असफलता को तय करती है। आकर्षण का सिद्धांत यही कहता है कि हमारा विचार एक ऊर्जा का ही रूप, और इस विचार को किसी वस्तु या परिस्थिति में बदला भी जा सकता है, क्योंकि हर एक परिस्थिति एक ऊर्जा का ही रूप होती है। यानी हम अपनी सोच के दम पर जो चाहे वो बन सकते हैं और जो चाहे वो बना भी सकते हैं। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि आज आप जो कुछ भी हो वो इस बात का परिणाम है कि हमने आज तक अपने बारे में क्या सोचा और क्या बोला हुआ है। असल में हम अपनी लाइफ में अपने बारे में जो कुछ भी बार बार बोलते हैं, हम वही बनते चले जाते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो कुछ भी हम बार बार बोलते हैं और जैसा हम दिन भर सोचते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को एक्सेप्ट कर लेता है और धीरे धीरे उसी के अकॉर्डिंग हमारा दिमाग काम करने लगता है और हमारे द्वारा बार बार बोले गए विचार सच्चाई में बदलने लग जाते हैं, वह सब कुछ सच होने लग जाता है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहता है, सबसे पहले उसे अपने विचारों पर तथा उसके बाद अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप इस पर कंट्रोल करना सीख कर इसे अपने अकॉर्डिंग रिप्रोग्राम करना सीख जाओ तो आप अपनी लाइफ में सुख समृद्धि, धन दौलत, मान सम्मान, मानसिक शांति और अच्छा स्वास्थ्य सब कुछ हासिल कर सकते हो। अगर हम मनुष्यों के शरीर से बुद्धि और बोलने की शक्ति को निकाल दिया जाए तो हम भी किसी जानवर से कम नहीं होंगे। हम सभी मनुष्य ईश्वर के द्वारा दी गई इस दोनों अद्भुत शक्तियों का कभी सही से उपयोग ही नहीं कर पाते हैं, या यूं कहें कि इसके उपयोग करने की जानकारी न होने की वजह से आज लगभग 95 से 98% लोग अपने जीवन से दुखी रहते हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको कंप्यूटर दे दिया जाए और यह कह दिया जाए कि आप इस कंप्यूटर के माध्यम से जो चाहे वो पा सकते हो, जो चाहे वो बना सकते हो, पर आपको उसे चलाने का सही तरीका न पता हो। कोई भी व्यक्ति यदि अपने मन, बुद्धि और वाणी इन तीनों पर तालमेल स्थापित करना सीख जाए तो वह यकीनन अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकता है। वह कठिन से कठिन परिस्थितियों को बड़ी आसानी से बदल सकता है और अपने जीवन में नया परिवर्तन ला सकता है, जीवन की नई ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। और दोस्तों, आपके जीवन में यही परिवर्तन लाने के लिए मैंने ये चैनल बनाया हुआ है। आपको ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। और अगर आप अपने मन, बुद्धि और शब्दों की ताकत को जानकर इसे इस्तेमाल करना सीखना चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको यह छोटी सी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताओ। अच्छी लगी तो इसे लाइक करो और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहो। तब तक मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।